नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। लोदीपुर थाना क्षेत्र बना चोरों का अड्डा, ग्रामीणों में आक्रोश, आए दिन चोर मचा रहे हैं तांडव, पुलिस है बेखबर। जनता दल भागलपुर शाखा द्वारा ग्राम संसद सद्भाव की बात कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक और जाति आधारित जनगणना को लेकर कई बिंदुओं पर हुई बैठक। राजद नेता दिलीप कुमार गुप्ता के भाई को गोली का केस उठाने की मिली धमकी। झपटमारों ने डीआईजी कार्यालय के पास एक महिला के गले से चैन छीन कर हुआ फरार, मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। 107 शिक्षक व शिक्षिकाओं ने बीएलओ का कार्य नहीं करने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा इस्तीफा। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र की जनता चोर के तांडव से परेशान है। विगत 2 महीने के अंदर करीब आधा दर्जन बाइक की चोरी हो चुकी है, परंतु लोदीपुर पुलिस एक भी चोर को पकड़ने में सफल नहीं हो सकी है। वहीं 2 दिनों से बाइक चोर का मनोबल इतना बढ़ गया है कि नवीन कुमार भारती लोदीपुर वासी के घर से चोरों ने एक मोटरसाइकिल की चोरी कर लिया, जिसका उसके घर के सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से घटना की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को देखा जा सकता है। पीड़ित नवीन कुमार भारती कहते हैं कि आवेदन देने के बावजूद अभी तक पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तक नहीं। वहीं लालूचक वासी चंदन मिश्रा कहते हैं कि मेरा बुलेट 2 माह पूर्व मेरे घर से चोरी हुई थी और लोदीपुर पुलिस आवेदन प्राप्त होने के 1 महीने बाद निरीक्षण करने आया था। अभी तक चोर को पकड़ने में पुलिस असक्षम रही है। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। चार गाड़ी यहाँ पर चोरी हुआ है आसपास में 1 किलोमीटर के रेंज में, और एक भी किसी का भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ये जो रात में चोरी हुआ है वो तो आई भी नहीं पुलिस, सिर्फ पेट्रोलिंग करती है रोड पे बस गए। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है आपका? ये लोदीपुर थाना क्षेत्र पड़ता है। आपने सूचना दिया? सूचना के आवेदन भी देकर आए हैं। क्या अब तक कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं, आया भी नहीं है, और हम लोग टोकते बजाते भी हैं पुलिस को पेट्रोलिंग, लेकिन उस समय पुलिस कुछ अच्छा ठीक है आ रहा है मैं आ रहा हूँ ये कर। लगातार क्या लगता है लगातार कितनी चोरी होगी? हम लोगों के यहाँ परसों हुआ और रात में भी हुआ बगीचा में, लगातार चोरी हो रहा। सवलपुर में हो गया। तो चोर सिर्फ मोटरसाइकिल ले जाता है कि और कुछ? अभी तक यहाँ पर जितना है सिर्फ बाइक का मामला आया और फोर टू व्हीलर में, खासकर बुलेट पे ध्यान रखते हैं उन्होंने ज्यादा। चाहते कोड़ा में वही हुआ, बुलेट गया सवलपुर में, बुलेट गया बगीचा के पास, बुलेट गया, और ये भाई साहब आए हुए हैं इनका लालूचक में एक महीना पहले बुलेट गया, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। दयाल प्रसाद, हम नवीन भारती के पड़ोसी हैं। मेरे साथ ये 3 तारीख को देखा जाए तो 3 तारीख को 2 महीना लग जाएगा, और हमारा भी एक बुलेट था जिसका गाड़ी नंबर भी 10288 था नंबर, और गन मेटल ग्रे कलर का था। हमने थाना में भी एप्लीकेशन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक कहीं कुछ नहीं। 2 महीना हो गया है। एक बार सर आए भी लेकिन कहे कि आप कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं। और सर आए भी मेरे एप्लीकेशन देने के 1 महीने के बाद सर आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए कि क्या कैसे कैसे क्या हुआ था। 1 महीने के बाद सर आए, उसके बाद कहे कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं। मेरा नाम चंदन मिश्रा होगा, मेरा लालू चा कुछ 2 महीने पहले 3 तारीख का है, मैंने एप्लीकेशन भी दिया, मुझे कुछ फल। जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह और महानगर जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजदीप राजा के संयुक्त तत्वाधान में बैठक का हुआ आयोजन। आज भागलपुर में जनता दल द्वारा आयोजित राज्यव्यापी अभियान ग्राम संसद सद्भाव की बात कार्यक्रम में भागलपुर जिले में समापन के उपरांत पार्टी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समीक्षात्मक बैठक की गई। साथ ही प्रदेश कार्यालय द्वारा निर्देशित आगामी कार्यक्रम जाति आधारित जनगणना को लेकर भाजपा के द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र का पोल खोल और कर्पूरी चर्चा की तैयारी को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। ये बैठक प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रभारी प्रहलाद सरकार के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह और महानगर जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजदीप राजा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। इस बैठक में तमाम राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारीगण, वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद,
प्रदेश कार्यालय से नियुक्त विधानसभा प्रभारी, जिला कार्यालय से नियुक्त विधानसभा प्रभारी एवं प्रखंड प्रभारी, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष, सभी 9 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष एवं महानगर के सेक्टर अध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, प्रखंड, महानगर के पदाधिकारीगण मौजूद थे। ये जानकारी जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर शाखा के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। का मुख्य उद्देश्य हमारा जो ग्राम संसद सद्भाव के बाद कार्यक्रम जो चल रहा था लगातार 15 अगस्त से 21 अगस्त तक, उसी के समापन पे आज समीक्षा बैठक है। साथ ही साथ आगामी जो हमारा कार्यक्रम है भाजपा का पोल फोर सह कर्पूरी चर्चा को लेकर के तैयारी का है। जिला कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें सम्मानित जिला अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक लक्ष्मी बाबू, माननीय विधायक ललित बाबू, माननीय प्रमंडल प्रभारी हमारे प्रहलाद सरकार जी और सभी विधानसभा के प्रभारी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे साथ युवा जनता दल यू के महानगर अध्यक्ष सोमू राज जी हैं, सभी लोग आज इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य बैठक का यही है। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुटी। इस घटना से परिजनों में दहशत का माहौल। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अपर रोड महाजन टोला रोड में रहने वाले राजद युवा जिला उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता के छोटे भाई दीपक कुमार गुप्ता के एकता श्रृंगार स्टोर दुकान की गली में देर रात अज्ञात अपराधी द्वारा सादे कागज में गली का केस उठाओ नहीं तो क्या होगा की धमकी दी। इस मामले में राजद के युवा जिला उपाध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता के भाई दीपक कुमार ने बताया, 2 सितंबर 2023 को रात्रि 9 बजे दुकान बंद कर घर में सोने चले गए और सुबह 7 बजे के लगभग गली साफ करने लगे तो देखें कि कोई अज्ञात लोगों के द्वारा सादे कागज में गली का केस उठाओ और प्रश्नवाचक चिन्ह लिखकर धमकी देने की बात है, जो पूर्व में विजय कुमार चौधरी द्वारा गली के मामले में केस न्यायालय में चलने पर भाई जबरन टिन का शेड लगा दिया है और ये घटना आज हुई है की बात कही। इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को सूचना देने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं इस घटना से परिजनों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। सुल्तानगंज से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता, महाजन टोला में मेरा घर है, दुकान भी है एकता सिंगार के नाम से। रात को हमने दुकान 9:15 बजे लगभग बढ़ा करके घर गया। सवेरे दुकान साफ करने के लिए जब 7:30-8 बजे हमने निकला, मेरे शटर के नीचे कुछ बयान उसमें लिखा हुआ था गली का केस हटाओ नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह किया हुआ स्टिकर सटा हुआ है 3 प्लेट में। अब इस पर हमने थाना को कवर कर दिया है। थाना के सभी स्टाफ लोग आकर के यहाँ से देख के गए हैं। क्या लगता है कौन लोग साटा होगा? ये कौन साटा है ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन केस जिससे चल रहा है वो हमारे बगल के पड़ोसी है विजय चौधरी, उससे केस चल रहा है। एक तरफ जहां बिहार सरकार सुशासन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। ताजा मामला भागलपुर के डीआईजी कार्यालय के समीप का है, जहां एक महिला अपने बच्चों के साथ अपने घर जा रही थी। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल झपटमारों ने उसके गले से चैन छीन कर फरार हो गया। वहीं ये पूरा मामला सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गया। पुलिस तहकीकात में जुटी है। वहीं दूसरी ओर महिला मिक्की कुमारी ने बताया, मैं अपने घर से निकलकर 0 माइल जा रही थी, इसी क्रम में ये घटना हुई और ये सोने की चैन 43,735 रुपया का था। वहीं पीड़ित महिला पुलिस से गुहार लगाते हुए किसी तरह चैन वापस हो जाए इसकी बात कहती महिला दिख रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस इस झपटमारों पर लगाम लगा सकती है या फिर इसी तरह और लोग इसके शिकार होते रहेंगे। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। गंगा दर्शन अपार्टमेंट मेरा फ्लैट है, अपना खुद का फ्लैट है। अब बच्चे का छुट्टी हो गया तो बच्चा बोला कि हम दादा घर जाएंगे। हम ले चलो यहाँ नौलखा के पास ऑटो से उतर के हम यहाँ ससुराल ही जा रहे थे। तो हम यहाँ से इधर से जा ही रहे थे तो उधर से वो बाइक वाला सामने से आया और चैन लेकर के चला गया। हम वो डीआईजी कोठी वहाँ पे भी हम गए,
वहाँ पे भी बोले कि मेरा हेल्प कीजिए, वो भी लोग वो लोग भी बोला कि यहाँ से निकलो, यहाँ कोई हेल्प नहीं होता है, यहाँ पे कोई मदद नहीं मिलेगा। कितने का चेन होगा? ये 41,765 का है, 41,635 का है। कितने लोग थे? 735 का। हाँ, दो। हाँ, 7304 है। तो क्या नाम है? मिकी। कहाँ रहते हैं? यहाँ यहाँ मेरा यहाँ ससुराल बड़ी खंजरपुर में है और गंगा 0 माइल में मेरा फ्लैट है। भागलपुर के 107 शिक्षक व शिक्षिकाओं के द्वारा निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर को बीएलओ का कार्य नहीं करने को लेकर सभी ने एक मत होकर अपना इस्तीफा अनुमंडल पदाधिकारी को मेल पर भेज दिया है। इन लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक के द्वारा लगातार कहा गया कि शिक्षकों से पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई काम नहीं लिया जाएगा, उसके बावजूद भी लगातार बीएलओ पद पर यहां शिक्षकों की तैनाती कर दी गई थी और शाम 4 बजे के बाद इन लोगों को बीएलओ के काम में लगा दिया जाता था। इन लोगों का कहना है कि लगातार आंदोलन के बावजूद भी जिला प्रशासन के द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आज सभी ने एक मत होकर अपना इस्तीफा बीएलओ पद से दे दिया है। वहीं आज रविवार होने के कारण कार्यालय में कोई कर्मी नहीं थे, इसलिए इस्तीफा मेल पर भेज दिया गया है। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सभी शिक्षक जो हैं एसडीओ ऑफिस में इस्तीफा देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग बीएलओ पद से इस्तीफा देने आए हैं और बीएलओ के कार्य से हम लोग तंग आ चुके हैं। इनका छुट्टी के दिन ही इनका कोई मीटिंग होता है, कोई सीटिंग होता है। जब अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब का ये आदेश है कि शिक्षक कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों से बीएलओ का काम, जनगणना का काम क्यों करवाया जाता है? ऊपर से इनका कहना है कि 4 बजे के बाद आप काम कीजिए। क्यों, हम लोगों को परिवार नहीं है या हम लोग इंसान नहीं हैं? हम लोग सुबह 2 रोटी खा के निकलते हैं घर से, दिन में लंच करते हैं 3 रोटी, उसके बाद क्या भूख नहीं लगती हम लोगों को? लेकिन नहीं, अगर जहां हम लोग मना करते हैं या नाका नुकर करते हैं बस उस पर तुरंत एक स्पष्टीकरण पूछा जाता है और यह आरोप लगाया जाता है कि आप लोग जो है इतने चुनाव के निर्वाचन का इतना अहम कार्य है और उसमें जो है आपने स्वेच्छाचारिता का जो है आरोप लगाकर हम लोगों को ये लोग जो है वेतन बंद कर देते हैं। कितने लोगों ने आज? आज हम लोग 106 आदमी ने यहाँ पे इस्तीफा दिया है। जी जी, मेरा नाम देवराज आनंद है जी, मैं शिक्षक हूँ जी। मैं इस्तीफा देने के लिए आई हूँ बीएलओ के काम से। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई जब से बीएलओ में नाम आया, हमेशा बिना मतलब के छुट्टी के दिन में बेवजह बुला दिया जाता है, जिसके लिए मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो रहा है। घर में भी छोटा बच्चा रहता है, उसको हम टाइम नहीं दे पाते हैं, वो एकदम सोचते रहता है कि मम्मी कब आए स्कूल से, और ये बीएलओ का काम से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं इसीलिए इस्तीफा दे रही देना चाहती हूँ। क्या नाम है? वंदना कुमारी। क्या है? मध्य विद्यालय भीखनपुर में शिक्षिका हूँ, नगर शिक्षिका जी। अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24x7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।